ऑफ देयर कंपाउंड इन वन बैच ऑफ हंड्रेड के जी ऑफ इड्स प्रोडक्शन लाइन तो सबसे पहला पॉइंट है हंड्रेड के जी ऑफिट्स प्रोडक्शन लाइन इसका मतलब ये पूरा जो डिटेल्स हैंड्रेड के जी आगे बढ़ते हैं मटीरियल एक्स फिफ्टी के जी मटीरियल वाई थर्टी के जी मटीरियल जेड ट्वेंटी के जी एंड एक्चुअल मिक्स जो दिया है दैट इज ऑल्सो ऑफ हंड्रेड के जी ध्यान रखने का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टैंडर्ड भी हंड्रेड के जी का इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल भी हंड्रेड के जी का इंफॉर्मेशन इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम है ये दोनों चीजें सेम है हंड्रेड के जी इज ऑफ स्टैंडर्ड एंड हंड्रेड के जी इज ऑफ एक्चुअल अगर दोनों सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे हमने सॉल्व किया था कि इन सम क्वेश्चंस वी कैलकुलेटेड दी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन सम क्वेश्चंस वी कैलकुलेटेड दी एक्चुअल क्वांटिटी हमने किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट की हमने किसी क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी को कैलकुलेट किया इसीलिए इस क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे दोनों चीज़ें हंड्रेड के का इंफॉर्मेशन है अभी सिर्फ हमें प्रेजेंट करना है देखो ये ऊपर जो दिया है टू थ्री फोर ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस है और ये जो नीचे दिया है थ्री टू पॉइंट फाइव थ्री ये आपका एक्चुअल प्राइस है ऊपर जो केजी दिया है दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और नीचे जो के जी दिया है दिस इज़ योर एक्चुअल क्वांटिटी अभी मैं फिलहाल इसको प्रेजेंट कर लेता हूँ हमारे फॉर्मेट में ताकि हमको इजी कैलकुलेशन लगे स्टैंडर्ड प्राइस टू थ्री एंड फोर एक्चुअल प्राइस थ्री टू पॉइंट फाइव एंड थ्री एक्चुअल क्वांटिटी सिक्सटी फोर्टी और टेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिफ्टी थर्टी एंड ट्वेंटी इनका टोटल करेंगे देंगे सिक्सटी प्लस इज़ हंड्रेड हंड्रेड प्लस टेन इज हंड्रेड एंड टेन फिफ्टी प्लस थर्टी इज एटी एटी प्लस ट्वेंटी इज हंड्रेड तो टोटल तो भी चाहिए तो ये टोटल हमने करके रखा है टोटल टोटल स्टैंड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी भी कर लिया और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कर लिया बिकॉज ये दोनों चीज़ें हमको लगती है जब हम मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल ईल्ड वेरिएंस को सॉल्व करते हैं अभी इसको प्रेजेंट करने का काम करना है सिर्फ चलो प्रेजेंट करते हैं सबसे पहले एक्स का सॉल्व करेंगे फिर वाई का सॉल्व करेंगे फिर जेड का सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस इज टू माइनस एक्चुअल प्राइस इज थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी इज सिक्सटी तो ये सारा इस चार्ट में अवेलेबल है तो इस चार्ट से ही मैं सारे वैल्यूज ले रहा हूँ आप ध्यान से देखना इट इज जस्ट अ क्लेरिकल फैक्टर टू कैलकुलेट नाउ टू माइनस थ्री इंटू सिक्सटी विल बी सिक्सटी एडवर्स देन y का सॉल्व करेंगे y के लिए हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है थ्री माइनस एक्चुअल प्राइस है टू पॉइंट फाइव इंटू एक्चुअल क्वान्टिटी है फोर्टी यह आ जाएगा फेवरेबल तो अभी आ जाएगा ट्वेंटी फेवरेबल कितना आ जाएगा ट्वेंटी फेवरेबल थोड़ा सा क्लियरली लिख लेंगे तो दिस विल बी ट्वेंटी फेवरेबल नाउ z का सॉल्व करते हैं z का है फोर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन तो यहाँ पे आ जाएगा टेन फेवरेबल अभी आपको क्या करना है अगेन द कंसेप्ट इज सेम वी है टोटल ऑफ दिस टोटल दो फेवरेबल है एक एडवर्स है आपका एंसर आ जाएगा थर्टी एडवर्स एडवर्स माइनस ट्वेंटी माइनस टेन डेट विल बी थर्टी एडवर्स नेगेटिव आने वाला है मटीरियल यूसेज वेरियंस एक्स का सॉल्व करेंगे पहले

फिर Z का सॉल्व करेंगे Z के लिए स्टैंडर्ड इज ट्वेंटी माइनस एक्चुअल इज टेन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज फोर विल गेट द आंसर ओवर हियर एज फोर्टी फेवरेबल टोटल कर लो इसका सो so, एक फेवरेबल है बाकी एडवर्स है आंसर आ जाएगा टेन एडवर्स ओनली प्रेजेंटेशन ओनली क्लेरिकल पॉइंट है सो वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस पहले उस चार्ट को अपने बुक्स में लिख के रखें ताकि नंबर आपके पास फटाफट फड़ रहे और आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स फेस ना हो मटेरियल मिक्स वेरिएंस सॉल्व करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरियंस पहले कर लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज फिफ्टी स्टैंडर्ड प्राइस इज माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्सिस की मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइज इज एक्चुअल प्राइज इज थ्री तो फिफ्टी इंटू ट्वेंट करेंगे तो हंड्रेड माइनस सिक्स इंटू थ्री करेंगे तो वन एटी इसमें आंसर आ जाएगा यहाँ पे लिखता हूँ एडवर्स ताकि टोटल करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना हो रेड के लिए हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है थर्टी मल्टीप्लाइड बाय थ्री माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज फोर्टी मल्टीप्लाइड बाय टू पॉइंट फाइव थर्टी इंटू थ्री विल बी नाइनटी नाइन्टी माइनस फोर्टी इंटू टू पॉइंट हंड्रेड आ जाएगा टेन तो एडवर्स का सॉल्व करेंगे का स्टैंडर्ड क्वांटिटी ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस फोर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय तो एट्टी में से थर्टी माइनस करेंगे तो यहाँ पे फेवरेबल आएगा फिफ्टी फेवरेबल अभी इनका टोटल ले लेते हैं एक फेवरेबल दो एडवर्स तो आंसर नेगेटिव तो आएगा दैट विल बी फोर्टी एडवर्स आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज इट्स वेरी इजी वी हैव जस्ट प्रेजेंटेड एवरीथिंग व्हिच विच वॉज अवेलेबल इन द क्वेश्चन इन द फॉर्मुलाज विच हैव लर्न फर्दर आगे बढ़ते हैं अब आया इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल ईल्ड वेरिएंस देखो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए हमने सीखा था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है अब सबसे पहले रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज द फॉर्मूला टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ध्यान से अब एक बार चार्ट देख लेते हैं जो हमने प्रिपेयर किया था देखो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया है हंड्रेड एंड टेन इन सभी का टोटल ही करना है सिक्सटी प्लस फोर्टी प्लस टेन और टोटल स्टैंडर्ड क्वान्टी वी हैव कैलकुलेटेड फिफ्टी प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी दैट इज हंड्रेड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेस्पेक्टिव मटेरियल का लेना है जैसे एक्स के लिए सिक्सटी है इधर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिफ्टी है ऐसे हमको कैलकुलेट करते वक्त लेना है अभी सब्सटीट्यूट करेंगे ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रॉन्ग हो गए तो सब कुछ रॉन्ग हो सकता है मिक्स एंड यील्ड वेरियंस एक्स के लिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी वाज हंड्रेड एंड टेन डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी वॉज हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स का स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है फिफ्टी चार्ट में आपको मिल जाएगा जो हमने सॉल्व कर लिया है <laughs> तो इसका आंसर आपको आ जाएगा फिफ्टी फाइव

सेकेंड उस थर्ड के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है थर्ड के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ट्वेंटी इसका आपको आंसर आ जाएगा ट्वेंटी टू के जी और ट्वेंटी टू के जी नाउ इट्स वेरी इजी नाउ वी हैव टू जस्ट प्रेजेंट इन द फॉर्मूला चलो एक्स का सॉल्व कर लेंगे पहले एक्स का आर एस क्यू कितना ढूंढा अब भी हमने ढूंढा फिफ्टी फाइव ठीक है एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया है फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितना था हमारा टू था फिफ्टी फाइव में से फिफ्टी माइनस किया फाइव फाइव इंटू टू फेवरेबल फिफ्टी फाइव में से फिफ्टी गया तो 5 आ जाएगा, फाइव इंटू टू करेंगे तो दैट विल बी टेन फेवरेबल वाई करेंगे वाई का कितना आया थर्टी थ्री थर्टी थ्री माइनस 40 फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल प्राइस वाज बी यहाँ पे आपको आ जाएगा थर्टी माइनस फोर्टी करेंगे तो सेवन थ्री था ट्वेंटी वन बट यहाँ पे आ जाएगा एडवर्स रेड करेंगे Dead का कितना मिला था ट्वेंटी टू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी वॉस टेन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइज वॉस फोर विल बी फोर्टी एट फेवरेबल तो so, इसके लिए टोटल कितना आ जाएगा द टोटल विल बी थर्टी सेवन फेवरेबल तो देट वी सॉल्व मटीरियल मिक्स वेरियंस हो चुका है मटीरियल ईल्ड वेरियंस में जाते हैं इल्ड वेरियंस तो काफ़ी ईजी है एक्स वाई जेड एक्स के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी कितना था रिवाइज का आर एस क्यू फिफ्टी फाइव इंटू स्टैंडर्ड प्राइजिस टू यहाँ पे आ जाएगा टेन एडवर्स के लिए कितना था स्टैंडर्ड क्वांटिटी थर्टी माइनस आर एस क्यू हमने कैलकुलेट किया थर्टी मल्टीप्लाइड बाई एडवर्स सिमिलरली फॉर जेड ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाय फोर तो अगेन इट विल बी एन एडवर्स एट एडवर्सल करोगे this will be the total the be adverse here, so that will be again adverse 27 adverse so we have uh, solved the material mix variance now material yield variance now in the next lecture to come we will be solving the labor variances which are very important labor mix and labor yield also we will be covering in that thank you very much all of you bye bye take care